ब्रज की धरा में, ब्रज की भूमि में, ब्रज की धरोहर में अष्ट सखियों में से एक सखी राधा जी की ललिता जी ऐसी हैं जिनका दर्शन करने के लिए भगवान शंकर को भी तीन नेत्र कम पड़ जाते हैं। जरा विचार करना, जिसकी सखी का दर्शन करने के लिए शंकर भगवान के तीन नेत्र कम पड़ते होंगे तो राधा रानी का दर्शन करने के लिए देवताओं को कितने नेत्र कम पड़ते हो। केवल राधा जी का दर्शन करने, एक ये तो सखी है, अष्ट सखियों में एक सखी ललिता। कहते हैं भगवान शिव ने तीन नेत्र खोल लिए। अब लोगों का संशय मिटना चाहिए। यहां पर कई लोग कहते हैं भगवान रुद्र हैं, क्रोध करते हैं, शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुलता है तब सब भस्म कर देते हैं, शंकर जी के व्रत में पूजन में कोई कमी पड़ जाए, शंकर जी की अर्चना में कोई कमी पड़ जाए तो शंकर जी क्रोध कर देते हैं, शंकर जी भगवान नष्ट कर देते हैं। ये दुनिया के लोगों में फैलाया गया भ्रम है। जो कहते हैं कि शंकर जी का व्रत नहीं करोगे तो वो रुष्ट हो जाएंगे, शंकर जी के व्रत में कमी रह गई तो रुष्ट हो जाएंगे, शंकर जी के व्रत में ये कमी रह गई तो रुष्ट हो जाएंगे, ये लोगों का फैलाया गया भ्रम है कि शंकर जी रुष्ट होते हैं। शंकर भगवान का एक नाम है आशुतोष। क्या नाम है उनका? आशुतोष। आशुतोष का मतलब होता है आपने तुरंत याद किया और वो आपके सामने प्रकट हो गया, आपने जल चढ़ाया वो आपके सामने आ गया, बड़ी जल्दी प्रसन्न होने वाला, बड़ी जल्दी तुम्हारे सम्मुख में आने वाला, बड़ी जल्दी प्रसन्नता में तुमको वर प्रदान करने वाला केवल एक है और वो देव अधिदेव महा आशुतोष कहा जाए। ये दुनिया के लोग बड़े भ्रम फैलाते हैं। दुनिया के लोगों ने बहुत भ्रम फैलाया। कोई ने कहा शंकर जी भांग पीते हैं, कोई कहता है शंकर जी धतूरा खाते हैं, कोई कहता है शंकर भगवान को तो गांजा पीते हैं, कोई कहता है शंकर भगवान को नशा लगता है, कोई कहता है भगवान शंकर को बलि चढ़ती है। ना 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 ना, किसी पुराण में, शिव महापुराण के 24,000 श्लोक में एक श्लोक ऐसा बता दो जिसमें शंकर जी को भांग खाते दिखाया हो। शिव महापुराण के 24,000 श्लोक में से एक श्लोक बता दो जिसमें भगवान शंकर को गांजा पीते बताया गया। शिव महापुराण के 24,000 श्लोक में एक श्लोक बता दो जिसमें शंकर जी को नशीला बताया गया। ये लोगों को भ्रम है। ये हमारे सनातन धर्म के ऊपर लोग आक्षेप करने वाले लगे हुए हैं, हमारे सनातन धर्म को लोग बदनाम करने के लगे हुए हैं, और मेरा इस ब्रज की रज से संपूर्ण देशवासियों से यही निवेदन है, अगर कोई तुमसे कहे कि शिव जी नशा करते हैं, शंकर भगवान नशा करते हैं या शिव जी ये काम करते हैं, तो आप ऐसी पोस्ट को ऐसी फेसबुक यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर या कहीं आई हुई पोस्ट को कभी किसी को मत भेजो। शंकर कभी ना नशा करते थे ना नशा करने की प्रेरणा देते हैं। शंकर तो राम और कृष्ण की भक्ति में 24 घंटे डूबे रहते हैं, वो नशा नहीं करते।